मिश्रा जी प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन. हो गया था. थैंक यू सर. सर देखिए आपकी मूवी झलकी को जो मैं क्या मैं तो अच्छा ही कहूंगा क्योंकि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं और सामाजिक सरोकार की फिल्म है. सामाजिक जो समस्या है उसकी फिल्म है. समाज को जागरूक करने के लिए फिल्म है. जो बाल मजदूरी से ग्रसित है हमारा समाज बहुत बुरी तरह से ग्रसित है. लोगों को लगना चाहिए और इस तरह की फिल्म अधिक से अधिक बनना चाहिए क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो भारतीय सिनेमा है वो बहुत बुरी तरह से कॉमर्शियल सिनेमा में जकड़ी हुई है. अगर इस तरह की सोशल अवेयरनेस की फिल्में बने समाज को जागरूक किया जाए ये कोशिश बहुत अच्छी कोशिश है. ब्रह्मानंद सिंह ने बहुत अच्छी कोशिश की है और कैलाश सत्यार्थी जी ने जो काम किया है उसको उजागर किया है. जो समाज को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है सिनेमा और इस तरह की सामाजिक सरोकार की फिल्म बननी चाहिए. झलकी ऐसी फिल्म है. बिल्कुल लाएगी. बिल्कुल अगर अगर फिल्म को लोग देखते हैं और विशेषकर जो हमारी नई पीढ़ी के जो लोग हैं जो युवा युवती हैं वो फिल्म देखेंगे उनको समझ आएगा कि बाल मजदूरी है क्या, ये किस प्रकार होता है. झलकी में इस बात को उजागर किया गया है किस तरह से बच्चों को उठाया जाता है उनके गाँव से, किस तरह से बेचा जाता है और किस तरह से ले जाकर काम करवाया जाता है और किस तरह से छुपा कर रखा जाता है, नाम बदल के रखा जाता है, उनकी पहचान को छुपा के रखा जाता है. ये चीज़ें इस फिल्म में झलकी में उजागर की गई हैं. तो नई पीढ़ी के जो युवा युवती देखेंगे उनके लिए बहुत अच्छा संदेश लेकर ये फिल्म आ रही है. जागरूक करने के लिए बहुत खूबसूरत फिल्म है. नहीं, मैं तो जब से फिल्म ये कर रहा हूँ, इस फिल्म से जुड़ा हूँ झलकी से, तब से मेरा परसेप्शन बदला है और मैं शुरू से ही बाल मजदूरी के ख़िलाफ़ रहा हूँ. मैं हमेशा टोकता रहता हूँ. वो मेरा गांव हो या शहर हो या आज मैं जहाँ मुंबई में बिल्डिंग में रहता हूँ वहाँ भी मैं टोकता रहता हूँ कि बच्चे, अगर कोई बच्चा काम भी कर रहा हूँ मैं पूछता हूँ तुम्हारी उम्र क्या है, क्यों काम कर रहे हो. तो ये सारी चीज़ें हैं और ये गरीबी की वजह से है. गरीबी बहुत है. अगर वो बच्चा कमाएगा नहीं तो बूढ़ा माँ बाप कहाँ से खाएगा. बूढ़ा माँ बाप कहते हैं हम हमारे बच्चे काम नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे. तो इसलिए वो अपने बच्चों से काम करवाते हैं, बच्चों को बेच देते हैं मजबूरी में. देखिए इसमें इसमें सबको मिलकर सहयोग करना पड़ेगा. ये अवेयरनेस जागरूक लाना पड़ेगा समाज में. सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा. प्रशासन जिस तरह से फिल्म में देखा आपने, प्रशासन का रवैया कितना ढीला है. प्रशासन का भी घाल मेल है उस नेक्सस के साथ. तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार है, यानी कि व्यवस्था भी जिम्मेदार है. और व्यवस्था अगर चाहे तो कुछ नहीं हो सकता समाज में. कोई किसी तरह की कुरीति, किसी तरह का दुष्कर्म नहीं हो सकता अगर व्यवस्था चाहे तो. ये व्यवस्था की इच्छा शक्ति पे ये डिपेंड करता है. देखिए बच्चों का तो अधिकार है. ये अधिकार है कि वो स्वतंत्र रहें, स्वच्छंद रहें, खुश रहें, हवा में उड़े. बचपन, उनका बचपन बहुत महत्वपूर्ण है. हम बचपन ही छीन लेते हैं बाल मजदूरी करवा के. ये बहुत बड़ा अभिशाप है एक समाज के लिए, न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया के लिए. बाल मजदूरी एक अभिशाप है. ये दूर होना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए. इस तरह की फिल्म, झलकी जैसी फिल्म अधिक से अधिक बननी चाहिए. सामाजिक सरोकार की फिल्म,
जो समाज को अवेयर करे। बहुत सारे दुष्कर्म हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चाइल्ड लेबर के ऊपर है तो बेसिकली कैलाश सत्यार्थी जी जो कि फिल्म के अंत में एक बहुत अहम बात कहते हैं कि अगर हम गरीबी हटाना चाहते हैं तो हमको चाइल्ड लेबर से सबसे पहले लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे और उनको बचपन से काम करवाते रहेंगे तो यही बच्चे बड़े होकर गरीबी रह जाएंगे, क्योंकि उनको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। दे विल नेवर हैव एक्सेस टू गुड जॉब्स। सो गुड एजुकेशन इज़ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। दे आर द प्रेजेंट एंड दे आर द फ्यूचर। तो यही इस फिल्म के तहत हम कहना चाह रहे हैं। कोई नई बात भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये बात हम लोग बहुत बार कर चुके हैं और हम करते रहते हैं। चाइल्ड लेबर हमारे देश में इलीगल है, बट वी हैव टू कॉन्स्टेंटली ब्रिंग अवेयरनेस टू पीपल कि ये इलीगल होते हुए भी ये हो रहा है। एंड फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री हम सबको इसके अगेंस्ट स्टैंड करना है एंड वी ऑल हैव टू से नो टू चाइल्ड लेबर। आई थिंक गवर्नमेंट इज गेटिंग लाइक स्ट्रॉन्गर एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न। गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक्शन लेती है जो लेना है। रूल्स हैं, लॉज हैं, करप्शन तो हर जगह होती रहती है, उसके अगेंस्ट लोगों को ही फाइट करना पड़ेगा। और जितना हो सके हमें गवर्नमेंट को हमेशा अवेयर करवाना पड़ेगा कि कहाँ गलत काम हो रहा है। इस फिल्म के थ्रू भी हम लोग यही करना चाह रहे हैं कि लोगों में ये अवेयरनेस और ये करेज ऑल्सो एक बहुत अच्छी चीज़ है इस फिल्म में। जहाँ संजय सूरी और दिव्या दत्ता जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, उनका बच्चा जो है वो IAS ऑफिसर्स हैं और उनका बच्चा एक घंटे के लिए गायब हो जाता है तो उनकी मतलब हार्ट बीट ऐसे हो जाती है। तो आपके खुद के साथ जब होता है तब आपको पता चलता है। मैं एक जर्नलिस्ट प्ले करती हूँ जो झलकी को हेल्प करती है अपने भाई को ढूंढने में। मेरे लिए एक्चुअली ये फिल्म लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। मैंने अपने खुद की ज़िंदगी में कुछ एक किया इस फिल्म करने के बाद, विच एक्चुअली चेंज्ड मी एंड माय परसेप्शन ऑफ थिंग्स अबाउट द स्टेट ऑफ चिल्ड्रन इन आवर कंट्री। जी मैंने एक एक्चुअली आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माय पर्सनल थिंग। मैं झलकी के प्रमोशन में उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। हम लोग बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम मैं और एक चीज़ कहूँगी कि ये फिल्म जो है ये बच्चों को दिखाना चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन शुड ऑल्सो नो कि काफ़ी टाइम और बच्चों की ज़िंदगी कैसे होती है। यू नो पेरेंट्स के साथ ही आएंगे ना, पेरेंट्स तो उनके साथ आएंगे। मैं कह रही हूँ कि पेरेंट्स को तो दिखानी ही चाहिए लेकिन बच्चों को भी दिखाना चाहिए, बिकॉज आई थिंक राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड दे विल बी अवेयर, तभी हमारी सोसाइटी में कोई चेंज आएगी। वो तो अपने मजबूरी में भेजते हैं, जैसे हमने झलकी फिल्म में भी देखा है कि उनकी मजबूरी होती है जिस वजह से वो भेजते हैं। तो वो एक्सप्लॉयटेशन जो है उस चीज़ को हमें बंद करना पड़ेगा। उसके लिए लॉज जो है वो स्ट्रिक्ट होनी पड़ेगी और उसके लॉज की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हम उन पेरेंट्स को सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते जो अपने बच्चों को बाल मजदूरी के लिए भेजते हैं, क्योंकि बहुत टाइम वो लाचार होते हैं। दे रियली हैव नो ऑप्शन। सो एज अ सोसाइटी वी हैव टू टेक अ स्टैंड एंड गवर्नमेंट को भी काफ़ी सारे ऑप्शन, मतलब चाइल्ड एजुकेशन को कंपल्सरी एंड फ्री बनाना चाहिए। आई थिंक इस फिल्म के मीडियम से जो चीज़ें जो बातें हमने कही है उस स्टोरी के तहत दैट इज़ इनफ। मैं इंडिविजुअली और कोई मैसेज नहीं देना चाहूँगी। थैंक यू।
ये मूवी में अरे हल्की में किसने आया तू अबे तू आया कौन से सेगमेंट मैं सबसे पहले इस फिल्म के डायरेक्टर भाई ब्रह्मानंद जी को और को डायरेक्टर तन्वी जी के साथ साथ बाकी सभी को जो कास्ट हैं इस फिल्म में जो इसके प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने स्पॉन्सर किया है जो म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं और किसी भी रूप में जिन्होंने योगदान दिया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भारतीय सिनेमा में पहली बार बच्चों की तस्करी बच्चों की गुलामी और उस गुलामी के खिलाफ संघर्ष और जीत पर पहली बार फिल्म बनी है। ये एक आंदोलन की तरह है। ये दुर्भाग्य कि आज भी ऐसी फिल्में हमें बनानी पड़ रही हैं जो कि रियल लाइफ स्टोरीज से इंस्पायर हुई हैं या उससे जुड़ी हुई हैं। झलकी ऐसी ही एक फिल्म है जो देश के लाखों लाखों बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई फिल्म है। तमाम तरक्की के बावजूद भी हर रोज़ भारत में हमारी बेटियां और बेटे जानवरों की तरह खरीदे बेचे जा रहे हैं। लाखों बच्चों को गुलामी में धकेला जा रहा है। बच्चों का यौन शोषण हो रहा है। मजदूरी कराई जा रही है। ये पूरे देश के लिए एक कलंक है और परिवर्तन की शुरुआत जागृति से होती है। झलकी जागृति के लिए सबसे ज़्यादा असरदार हथियार साबित होगा, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माध्यम साबित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई झलकी है, हमारे सबके भीतर कोई ना कोई झलकी है। जब हम कुछ चीज़ खोते हैं, जब हमसे कोई नुकसान हो जाता है, हम असफल हो जाते हैं तो मन में बहुत सारी निराशा हताशा घर कर लेती है। लेकिन तब हमारी वो झलकी जो खजन चढ़ैया की तरह घूम घूम कर हिम्मत नहीं हारती, इस साहस के साथ इस संकल्प के साथ कि वो अपने भाई को ढूंढ निकालेगी, अपनी खोई हुई चीज़ को ढूंढ निकालेगी, ये इस फिल्म के माध्यम से हो रहा है। तो हमारे भीतर जो साहस है जो प्रतिबद्धता है जो कभी ना हार मानने की इच्छा शक्ति है दृढ़ संकल्प है इसको दर्शाती है ये फिल्म। हालांकि ये फिल्म हमें रुलाती है, हमारे भीतर की संवेदना को हमारी करुणा को झकझोर देती है जगा देती है, लेकिन ये हताशा और निराशा से आशा और विश्वास की तरफ चलने वाली कहानी है, हार से जीत की तरफ चलने वाली यात्रा की कहानी है और अंत में ये साबित करती है कि अगर हमारे बच्चे हमारे समाज के लोग सब जिम्मेवार हों, हमारे पत्रकार खासकर इतने संवेदनशील हो जाएं जितना झलकी की पत्रकार है तो निश्चित तौर पर हम इस बुराई को ख़त्म कर पाएंगे। मुझे यकीन है कि ये फिल्म समाज में जागृति पैदा करेगी, देश के करोड़ों करोड़ों बच्चों को विद्यार्थियों को नौजवानों को और समाज के हर वर्ग को एक हौसला देगी। मैं सबसे आग्रह करता हूँ खासकर मीडिया के बहनों से भाइयों से आग्रह करता हूँ कि जब हम फिल्मों को देखते समझते हैं तो हमारे दिमाग में बाजार है कॉमर्स है आमदनी है नुकसान है यही सब चीज़ें घूमती रहती हैं, लेकिन फिल्म मानसिक बदलाव मानसिक स्तर को बदलने चेतना को जगाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। हम अगर झलकी को इस रूप में देखेंगे कि इस बुराई के खिलाफ एक लड़ाई के लिए तैयार करने वाली ये फिल्म है तो शायद हम कॉमर्स से ऊपर उठकर बाजार से ऊपर उठकर सोच पाएंगे। देश के घर घर में लोग इसे देखें हर भाषा में देखें। दुनिया भर में ये समस्या है, अकेले भारत की समस्या नहीं है ट्रैफिकिंग की और गुलामी की। दुनिया भर के लोग अलग अलग भाषाओं में इसे देखें। ये काम अब आपके ऊपर है।
खासकर मीडिया के बहनों और भाइयों के ऊपर है कि कहां तक इसे पहुंचाते हैं, फिल्म क्रिटिक इस पर लिखेंगे जो भी लिखेंगे। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जो पिछले 40 साल से इस बुराई के खिलाफ संघर्ष कर रहा है और मेरे ही बच्चों की छुड़ाई हुई, जिन बच्चों को हमने छुड़ाया है उन्हीं की कहानियों को गूंथ कर ये फिल्म बनाई गई है, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर इन सबको बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना है। मैं फिर से आपको सबको जो इस फिल्म से जुड़े हैं बधाई देना चाहता हूं। सरकार से भी मेरी अपेक्षा है और आग्रह है कि जो कानून बना हुआ है बाल मजदूरी के खिलाफ, जो कानून बने हुए हैं गुलामी के खिलाफ, जो कानून बने हुए हैं बच्चों पर होने वाले दूसरे अत्याचारों के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, ट्रैफिकिंग के खिलाफ, उन कानूनों को सख्ती के साथ समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए और समाज का हर वर्ग इसको अपनाए। मैं उद्योग जगत से भी अपील करता हूं कि कृपा करके बच्चों के शोषण से बना हुआ कोई सामान निर्मित ना करें। बच्चों की गुलामी से अगर इस तरह का उद्योग पनपता है तो ये हमारे लिए बुराई और कलंक की बात है, अपराध तो है ही। मैं कंज्यूमर से भी, जो हमारे उपभोक्ता हैं उनसे भी निवेदन करता हूं, जो इस फिल्म को देख रहे हैं वो संकल्प लें कि वो बच्चों से बनाई गई किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस चाय के ढाबे पर चाय नहीं पियेंगे जहां पर कोई बच्चा मजदूरी कर रहा है। कौन जाने कि ये झलकी का भाई बाबू है जिसके लिए कोई झलकी धक्के खाती हुई घूम रही होगी और आप चाय की चुस्कियाँ लेते हैं, वहाँ पकौड़े खाते हैं दुकानों पर बैठ के। मैं आम जनता से अपील भी करूंगा कि कहीं किसी रेल में, कहीं किसी बाजार में, कहीं किसी बस में, कहीं सड़क पर इस तरह के बच्चों के समूह को आप देखें तो आवाज़ उठाएं, आप भी अपना कर्तव्य पूरा करें समाज से इस बुराई को ख़त्म करने के लिए। मैं सबको बधाई देता हूं। झलकी में मैं एक IAS ऑफिसर का किरदार निभा रहा हूँ। हमने एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोल, DC भी बोल सकते हैं। सो अपने इलाके के हाईएस्ट ऑफिसर हैं और बहुत उस काफ़ी सीनियर हैं उस एरिया के। और इस कहानी में कैसे वो किस मुकाम पर आते हैं और कैसे वो फैसिलिटेट करते हैं, जो प्रोटैगनिस्ट है झलकी, उस लड़की की मदद करते हैं या नहीं करते, वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के तौर पर और अपने जो वो ऑफिस संभालते हैं वो कैसे अपनी पावर को यूज़ करते हैं और किस वक्त यूज़ करते हैं वो देखने को मिलेगा। उससे ज़्यादा कहानी हिम्मत की है, हौसले की है। एक 9 साल की लड़की जो अपने 7 साल के भाई को बचा रही है जो चाइल्ड लेबर का शिकार हुआ है, एक उस माफिया, उस नेक्सस का शिकार हुआ है। सो एक हिम्मत की कहानी है, कितना संघर्ष करती है लड़की और कोशिश करके अपने भाई को बचाती है। इस कहानी का जो आइडिया है वो फिल्म से बहुत बड़ा है। ये कहानी काफ़ी ट्रू लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। जैसे कि हम जानते हैं कैलाश सत्यार्थी जी, जिन्होंने 86,000 बच्चों से ज़्यादा बच्चों को एक फ्रीडम, स्वतंत्रता दिलवाई है, उनको छुड़ाया है इस जंगल से और उनको उनकी मदद की है। और वो अकेले ही अपनी टीम के साथ कैसे सिस्टम से, कैसे इस इतनी कठिनाइयों से गुज़रते, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उन्होंने इतने बच्चों को बचाया है। मुझे लगता है ये जो आइडिया है फिर से कहूँगा बहुत बड़ा है और इसको सपोर्ट करना चाहिए। जब ये कहानी भी मेरे पास आई थी तो तुरंत ही जब बोला चाइल्ड लेबर पर है, ने कहा ज़रूर इसका हिस्सा बनना चाहेंगे। फिल्म बहुत अच्छी बनी है और आप इस फिल्म को ज़रूर अपने साथ लेकर जाएंगे, थिएटर में छोड़ेंगे नहीं। इसका कुछ उसके ऐसे पहलू हैं और कुछ ऐसी मैसेजिंग है
जो आप में एक बदलाव लाएगी। तो मैं कोशिश यही रहेगी कि हम भी सिर्फ एक एक्टर की तरह नहीं है कि अभिनय किया एक फिल्म में, लेकिन क्या हम कर सकते हैं इस समस्या को लेकर, और इसमें कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करा सकते हैं अबाउट चाइल्ड लेबर। और बचपन बचाना है, चाहे वो खेल में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, बचपन बचाना है। और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, एंड मुझे लगता है जब लोग फिल्म देखेंगे वो भी यही महसूस करेंगे और उनको भी ऐसी फीलिंग होगी। थैंक यू। क्योंकि ये एक 9 साल की बहन अपने भाई को एक कहानी सुनाती है और सुलाती है। मेरी भी बड़ी बहन है और उन्होंने भी मेरी बहुत देखभाल की है और मुझे पढ़ाया है। मैं अपने बच्चों को खुद कहता हूँ मेरी दीदी ने मुझे पढ़ाया और मुझे ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी स्कूल में, और होमवर्क में या किसी भी ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर, ऐसे चौराहे पर जहाँ मुझे डिसीजन लेना हो, मेरी बहन ने मुझे बहुत हौसला दिया। और मैं अभी भी उनसे बात करता हूँ और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सो कहीं ये भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, एक उस रिश्ते को भी बहुत एक बहुत ही प्यारे तरीके से जोड़ती है। तो झलकी आपको बहुत लेवल्स पर आपको टच करेगी, और ज़रूर देखिएगा झलकी। और इसका एक हम प्लेज कर रहे हैं, आई एम विद झलकी। अगर आप इस कॉज को सपोर्ट करते हैं तो आप हैशटैग कर सकते हैं आई एम विद झलकी। धन्यवाद। बच्चे लोग आ जाओ, क्या बच्चे लोग आ जाओ। हेलो सर, सामने सर, सामने मोबाइल प्लीज पीछे सर। फिर आप सेंटर में आ जाइए, इधर सेंटर में। हाँ ये सामने देखना सर। हो गया हमारा थैंक यू सर। सोलो बिलो।